हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जीई टेक्निकल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है। आपको यह तो पता होगा फ्रेंड कि डीसी करंट मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आप वीडियो में देख, डीसी करंट वायर में एक समान रूप में फ्लो होती है, यानी कि वायर के अंदर और बाहर की सतह पर एक समान करंट फ्लो होती है। लेकिन फ्रेंड, अगर हम एसी करंट की बात करें तो उसी मैग्नीट्यूड के समय के साथ चेंज होता है। इसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वह चेंजिंग होता है। फ्रेंड, जिस तरह करंट कम से कम प्रतिरोध वाले रास्ते से फ्लो होता है, उसी तरह फ्लक्स भी हमेशा कम से कम रिलेक्टेंस वाले रास्ते पे फ्लो होता है। अब अगर हम बात करें तो रिलेक्टेंस क्या होता है, तो फ्रेंड रिलेक्टेंस एक तरह का प्रतिरोध होता है जो कि फ्लक्स को फ्लो होने से रोकता है। फ्रेंड ध्यान देने की बात है कि फ्लक्स हमेशा कंडक्टर वायर के अंदर से ही फ्लो होता है, क्योंकि वायर के ऊपर हवा होती है और हम सभी को पता है कि हवा में रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब फ्लक्स वायर के अंदर से फ्लो होता है तो वायर के अंदर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फ्लक्स वायर के बाहर सतह से फ्लो नहीं होता है, इसलिए सतह की रेजिस्टेंस अंदर के मुकाबले बहुत कम होती है। अंदर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ही करंट वायर के अंदर से फ्लो नहीं होता फ्रेंड, केवल बाहर सतह पर जैसे रेजिस्टेंस कम होता है वहीं से फ्लो होता है। फ्रेंड, करंट के पूरे वायर के अंदर एक समान फ्लो ना होकर केवल सतह से ही करंट फ्लो होने को हम लोग स्क्रीन इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में कि केवल बाहर की सतह जहां लाल रंग है वहीं से करंट फ्लो होता है, अंदर जहां वाइट एरिया है वहां कोई करंट फ्लो नहीं होता है। फ्रेंड, हमने यह बात तो कर ली कि स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है, अब बात कर लेते हैं आखिर स्क्रीन इफेक्ट के नुकसान क्या होते हैं। स्क्रीन इफेक्ट के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। हाई रिलेक्टेंस, जैसे कि हमने पहले बताया कि जब फ्लक्स वायर के अंदर से फ्लो होता है तो उसी रिलेटिव बढ़ जाता है, जिस कारण हमारा करंट वायर के केवल ऊपरी सतह में फ्लो होता है। इसलिए फ्रेंड, वायर के अंदर का एरिया जहां से करंट फ्लो नहीं होती, वायर का वही हिस्सा हमारे किसी काम का नहीं है, यानी कि वायर का उपयोग एरिया जो हमारे काम का है वही कम हो जाता है। जब किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो हम उसके कॉपर में लॉस, यानी कि आई का 2 बार लॉस दे होते हैं। ये लॉस पूरी तरह से हीट के अंदर बढ़ जाते हैं। स्क्रीन इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए कॉपर लॉस भी बढ़ जाते हैं, हमारा कंडक्टर हीट होने लगता है। स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो रिलेक्टिक एक्सएल बराबर 2 गुने y बढ़ जाता है, एफ एक्सएल बढ़ जाता है, तो स्क्रीन इफेक्ट भी बढ़ जाता है। इसलिए हमारा कंफ्यूजन लाइन ट्रांसमिशन लाइन के मुकाबले ज़्यादा इसकी इफेक्ट होती है। कंडक्टर एरिया, जब किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो स्क्रीन इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। स्क्रीन इफेक्ट के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग स्ट्रट कंडक्टर का उपयोग करते हैं। स्ट्रट कंडक्टर को अगर हम आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे और पतले कंडक्टर को एक साथ जोड़कर बड़ा कंडक्टर बनाना। जैसे कि हमने देख रहे हैं कि अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो उसमें स्क्रीन इफेक्ट भी बढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रट कंडक्टर में हम एक छोटे से कंडक्टर का उपयोग करते हैं, उनका एरिया कम होता है जिससे उनमें कम स्क्रीन इफेक्ट होता है। छोटे छोटे वायर से हमें सरफेस एरिया भी ज़्यादा मिलती है। फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में हम बात करेंगे फेमिसिमिटी इफेक्ट क्या होता है। फ्रेंड, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।